एंड दिस इज प्रेम, दिस इज श्रेया, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीएफएफ ब्लेंड। तो आज हम लोग आए हुए हैं पटना के एक रिसोर्स ट्रेडिंग सेंटर में। तो ये है उपेंद्र महारथी शिल्पकार अनुसंधान संस्था। यहाँ पे आपको बिहार के जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट और पेंटिंग है वो आप लोगों को सिखाया जाता है बिल्कुल फ्री में। बेसिकली ये इंस्टीट्यूशन फोकस करता है आर्ट्स एंड क्राफ्ट पे, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत प्यारा एक आर्ट बना हुआ है। एंड ये एस्टैब्लिश हुआ था 1956 में। यहाँ पे आप दो बैचेस में आके सीख सकते हो, एक समर टाइम में और एक विंटर टाइम में। और अगर आपको सीखना है तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप किस एज के हो, यहाँ पे हर एज के लोग आके सीख सकते हैं। तो चलते हैं इस इंस्टीट्यूट में, जो भी चीजें हैं, जो जो चीज यहाँ पे सिखा जाता है वो सारा चीज कवर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जैसे ही आप इंस्टीट्यूशन के अंदर एंट्री लोगे यहाँ पे गैलरी मिलेगी आपको राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, जहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर डिस्प्ले किए गए हैं और बहुत प्यारे और खूबसूरत स्कल्पचर हैं। और यहाँ पे एंट्री गेट के पास ही एक छोटा सा मिनिएचर बनाया गया है इस बिल्डिंग का, जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि कौन सी बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं। गैलरी के जो राइट सेक्शन है इसमें बहुत सारे जो स्कल्पचर्स हैं सबके नीचे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, जितने भी लोग हैं यहाँ पर सबको पद्मश्री अवार्ड मिला है। एंड ये है सर उपेंद्र महारथी, जिन्होंने इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था। एंड आज उनकी वजह से हमारे बिहार के आर्ट्स एंड क्राफ्ट को इतना बढ़ावा मिल रहा है। इस इंस्टीट्यूट में आपको म्यूजियम भी देखने को मिलेगा। तो आप जैसे ही म्यूजियम के अंदर एंटर करते हो तो यहाँ पे आपको एंशियंट लाइक 18th सेंचुरी के टाइम के, जब एंशियंट पाटलिपुत्र हुआ करता था, उस टाइम के चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। एंड ऑल द कलेक्शन, ऑल द आर्ट एंड क्राफ्ट्स ऑफ बिहार आर लाइक सो फैसिनेटिंग, बहुत ही देख के आपको अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे जितने भी बिहार के क्राफ्ट्समैन हैं वो यहाँ पे विजिट करते हैं एंड आकर यहाँ पे पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं इन देयर क्रिएटिविटी वर्कशॉप। एंड so they can paid for that through government or through this institute। एंड अगर मैं यहाँ पे चीज़ें देखने के बारे में बात करूँ, लाइक क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे जो जो चीज़ सिखाए जाते हैं बिहार के आर्ट एंड क्राफ्ट वाली चीज़ें हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मधुबनी पेंटिंग, टिकोली आर्ट, बैम्बो क्राफ्ट, वुड कार्विंग, सुजनी आर्ट, मेटल क्राफ्ट, सिक्की आर्ट, एप्पली वर्क एंड ऑल दोज थिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने को। एंड जो भी कलेक्शंस हैं आप खुद ही देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। म्यूज़ियम से निकलने के बाद हमें मेटल आर्ट वाले सेक्शन में जाने का मौका मिला, जहाँ पे हमने देखा कि मेटल आर्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है और उसकी हिस्ट्री क्या है। मेटल आर्ट, जिसे बेल आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो करीब 300 साल पुराना है और तब से हमारे बिहार के आर्ट फॉर्म का एक पार्ट है। वहाँ पर जो ट्रेनर थे उन्होंने हमें मेटल आर्ट के बारे में पूरी जानकारी दी और हमें ये भी बताया कि मेटल आर्ट किन किन टूल्स के साथ प्रिपेयर किया जाता है। ये हमारे टूल्स हैं जी, इसी को हैमर से मतलब हथौड़े से इसे ही नक्काशी की जाती है। ये हमारे बनाने का औजार है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये परकाल है। अच्छा, इससे हम इसके सर्कल गोलाई वगैरह की जाती है, अब इसका जगह बैठने के लिए इससे बनाया जाता है हसिया। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान ना सिर्फ बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग देती है पर उसके साथ ही बेल आर्ट के नए मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में भी उनको अवेयर कराती है। तो चलते हैं, देखते हैं कि टेराकोटा वाली जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या है वहाँ पे। वैसे तो 5 बजे ये पूरा इंस्टीट्यूट जो है वो बंद हो जाता है। तो
सीधा करके एंड वैसे बनाया जाता है ये सारा प्रोडक्ट्स। तो ये सब कुछ है, पेपर मेसी का प्लेट, तो कुछ ऐसा दिखता है ये। एंड इसको पेपर के साथ साथ आई थिंक एग वाले कैरेट से भी बनाया जाता है क्या अंकल? एग वाले कैरेट से भी बनाते हैं ना इसको? यहाँ पे एग वाले कैरेट्स रखे हुए हैं एंड इससे इसको पेपर में यू नो वेट करके देन इसको क्रिएट किया जाता है। आई थिंक ये उसका मिक्सचर है वेट किया हुआ एंड आई थिंक इसमें कुछ मिट्टी भी यूज़ करते हैं ना। तो ये देखिए कितना प्यारा मतलब सिक्की से बना हुआ है, कितना परफेक्शन के साथ बना हुआ है ये। ये आपने बनाया आंटी? जी मैडम। बहुत ही प्यारा है। तो ये देखिए आंटी ने एक और बनाया है एक से। तो ये वाला डॉल कितना प्यारा है। सब एक टेक्निक है, बस सिक्की लेना है एंड उसको ट्विस्ट करना है, बस टेक्निक आना चाहिए। और ये काफी प्यारा डॉल वो है, 15-20 दिन सब लगा, जब से यहाँ पर आए हैं तब से वही बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। फिर उसके बाद जो है, उसको पानी में गीला करते हैं पहले, फिर उसको सिक्की से सोंटते हैं, फिर उसके बाद बिनने लगते हैं, उल्टाते हैं। जब उल्टाया जाता है तो 10 सिक्की 15 सिक्की एक बार लेके उसको उल्टाया जाता है तब वैसा फूल निकलता है। इसमें नहीं है उल्टा, उसमें अच्छा, है उसमें है वो चक्कर। बहुत ही ज़्यादा फाइन है, आप यहाँ पर देखिए ये जो बना हुआ है कितना परफेक्शन के साथ आंटी ने इसको बिना है। तो इसका टेक्निक जानना बहुत ज़रूरी है जो कि आप इस इंस्टीट्यूट में आकर सीख सकते हो और आंटी यहाँ पे सिखाती है। थैंक यू सो मच आंटी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। लोग वाले प्रिंटिंग सेक्शन में आए हुए हैं, ये है रंगाई छपाई बोला जाता है आंटी के लिए। एंड यहाँ पे आप जितने सारे भी फैब्रिक्स देख रहे हैं और पे डाइंग किया हुआ है डाइंग स्टैम्प से। एंड यहाँ पे मुझे कुछ ट्रेडिशनल वे भी दिख रहा है जिससे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो भैया से पूछते हैं वो किस तरीके से चीज़ें करते हैं। हम लोग जैसे है वुडन ब्लॉक्स जैसे मिलते हैं, ठीक है, तो वुडन ब्लॉक्स जो होते हैं उन पे फैब्रिक कलर अभी चल रहा है क्योंकि मार्केट में डिमांड फैब्रिक कलर का बहुत है, क्योंकि उसमें शाइन जिस तरीके से आता है नेचुरल कलर थोड़े से डल हो जाते हैं, तो इसलिए नेचुरल कलर से भी यहाँ पे प्रिंटिंग करते हैं हम, उसमें बाइंडर वगैरह मिक्स करके, ठीक है। पर हर सेक्शन के लिए अलग अलग बाइंडर होता है, हर कपड़े के लिए अलग अलग बाइंडर होता है, तो उसका अलग अलग प्रोसीड्योर है। पर फिलहाल यहाँ पे हम फैब्रिक पेंट से करते हैं, ब्लॉक लेते हैं उससे प्रिंट करते हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि और कहीं पे शायद होता है, जो कि फॉरेन में होता है, इंडिया में बहुत कम लोग चीज़ करते हैं, जैसे कि लीनो ब्लॉक्स हैं। उसमें क्या होता है, अभी हमारे पास वुडन ब्लॉक्स में क्या है लिमिटेशंस हो जाता है कि जो डिज़ाइंस हैं सिर्फ वही कर सकते हैं, और अभी के हमारा जो जनरेशन है वो वुड कार्विंग करके ब्लॉक्स बनाना पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ पे क्या है, मेरे पास कुछ हैं इस तरीके से प्रिंट्स, जैसे ये सब, तो ये रबर के शीट हैं, ठीक है। इनका एक टूल्स आता है, इनका कुछ ये प्रिंट मेकिंग के, जब आप फाइन आर्ट कॉलेजेस में जाएंगे या वहाँ प्रिंट मेकिंग सेक्शन में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये लीनो ब्लॉक्स हैं रबड़ के, ठीक है, ये रबर ब्लॉक्स हैं। तो इस पे पॉसिबिलिटी ये है कि मेरे मनचाहा डिज़ाइन में इस पे कार्व कर मतलब सकते हैं, करना इजी हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लिमिटेशन नहीं है, और इसका प्रिंट जो है यहाँ कपड़े पे आप देख सकते हैं। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप जब भी यहाँ आ रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा टाइम निकाल कर आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने को, देखने को, बहुत सारा आर्ट है। और हम थोड़ा लेट हो गए थे तो हम
बहुत सारी चीज़ें मिस कर गए, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें हमने कवर भी करी और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें को जानने को मिली, जैसे कि वुड ब्लॉक्स वाली पेंटिंग हमने देखी और वो जो आर्टिसंस थे, जो भैया थे, वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बता रहे थे। इवन जितने भी पेंटिंग और क्राफ्ट वाले जो आर्टिसंस जो कर रहे थे वहाँ पे, वो बहुत ही अच्छे से फ्रैंक होकर हम लोगों को एक एक चीज़ बता रहे थे। और बहुत अच्छी चीज़ है ये, अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो और आप बाहर से सिर्फ देखने आए हो इस म्यूजियम में या फिर इस इंस्टीट्यूट में कैसे क्या होता है, वो आपको बहुत कोऑपरेट करेंगे। एंड अगर आपको एडमिशन लेना है यहाँ पे, तो आपको पेपर में इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिल जाएगा और जो बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं वो शायद उसके लिए आपको दिसंबर में अप्लाई करना पड़ेगा। एंड जनवरी से शुरू होता है। सो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।